Today we are on the second part of the chapter relative pronouns. Today we are going to study the second part of the pronouns. Today our term is first is relative pronoun जो कि संबंध दिखाता है. जैसे हमारे पास सेंटेंस आया हुआ है कि I met Ron. Ron had just returned. I have found the pen. I lost the pen. Here is the book. You lent me the book. अब यहाँ पे हम बार बार बुक का और पेन का रिफ्रेश कर रहे हैं. तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, बात को इजी करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं I met Ron who had just returned. I have found the pen which I lost. Here is the book that you lent me. जिसमें इसका मतलब हुआ कि हमने जो यहाँ पर रिपीटेशन किया था उसकी जगह हमने इन प्रोनाउन वर्ड को यूज़ कर लिया. इट इज़ देयरफॉर हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. एज पर द डेफिनेशन अ प्रोनाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट रेफर्स और रिलेट्स आई कैरीजेस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर. यानी हमने जिस नाउन के बारे में पहले से बात कर रखी अगर हम उसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. दिस नाउन इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. इसको एंटी नाउन का को इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं क्योंकि ये पहले आता है. एंटीसीडेंट मीन्स होता है जो कि किसी वर्ड से पहले आता है. नाउ द वर्ड हु इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन डॉन. इट इज देयरफॉर डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन थॉ दो इट आल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन. तो जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये कंजंक्शन का भी वर्क करते हैं. ओके नाउ फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस थ्री टाइप्स के होते हैं. नॉमिनेटिव केस जिसमें हु है, पजेजिव केस में हुज और एक्यूजेटिव में हुम होता है. नाउ हियर द एग्जांपल्स यू कैन स्टडी देम. दिस इज द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड. दिस इज द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल. दिस इज द बॉय और गर्ल हु ऑल प्रेज. ओके सो दिस इज द वे वी हैव कम टू नो हाउ. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज बी केयरफुल टू यूज हु नॉमिनेटिव एंड हुम एक्यूजेटिव करेक्टली. बहुत ही ध्यान से आपको दोनों को हु और नॉमिनेटिव में और हुम को एक्यूजेटिव केस में रखना पड़ेगा. नोट ये ध्यान रखना है कि इन प्रेजेंट डे इंग्लिश द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज ऑफन यूज इन स्टेड ऑफ हुम. आज की इंग्लिश में हम हुम की जगह पर हु का यूज करते हैं. हु कैन बी यूज इन द एक्यूजेटिव केस. हम इसको एक्यूजेटिव केस में यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट इन अ वेरी फॉर्मल स्टाइल. ओके तो आज हुम को अवॉइड करते हैं और हुज का यूज ज्यादा करते हैं. ओके लेकिन हर जगह पर हम हुम का यूज अवॉइड नहीं कर सकते. द एग्जाम्पल हु दे बर आई रियली कैन नॉट स्पेसिफाई. पहले होता था हुम लेकिन अब हम हु यूज करते हैं. ही वॉज द मैन हु एंड नॉट हुम दे डिटरमाइंड. वन इवनिंग ऑफ ईच वीक वॉज सेट अप अपार्ट बाई हिम फॉर द रिसेप्शन ऑफ हु सो एबर नॉट हुम सो एबर. इज दैट क्लियर नाउ. नेक्स्ट द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल. विच का यूज जो है सेम फॉर्म ऑफ नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव होता है यानी विच चेंज नहीं होता है. दिस हाउस विच माई अंकल बिल्ड कॉस्ट हिम 4 lakh rupees. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो पॉजिटिव केस. आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन जो विच है उसका कोई पॉजिटिव केस नहीं है. बट हुज इज समटाइम्स यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर विच. जैसे अ ट्राइंगल हुज थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल. ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है और इसका कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल ही दैट इज कंटेंट इज रिच. दे दैट टच विच विल बी डिफाइड. टेक एनी थिंग दैट यू लाइक. इज दैट क्लियर. अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि द रिलेटिव प्रोनाउन वाट इज यूज ओनली इन द सिंगुलर एंड हैज द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव. ओके मीन्स हम वाट का प्लूरल नहीं बना सकते हैं. एग्जाम्पल वाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर. आई से दैट वाट आई मीन ही फेल्ड इन वाट ही अटेम्प्टेड. अब यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस ये कहाँ यूज होता है. एज अ जनरल रूल हु इज यूज फॉर पीपल ओनली. हु का यूज केवल पीपल के लिए करते हैं. इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन. और हु से आप सिंगुलर प्लूरल दोनों का ही यूज कर सकते हैं. दोनों को आप रेफर कर सकते हैं. Now, whose the possessive form of who is used in speaking of persons, but sometimes of things without like. Whose ka
पर्पस के लिए करते हैं लेकिन कभी कभी चीजों के लिए भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द सन हूज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाई सम पीपल एज गॉड। दिस इज अ क्वेश्चन हूज सॉल्यूशन हैज बेफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस। मोर प्रॉपरली दिस इज द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ दिस हैज बेफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस। इट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं और अर्थ है, सन है, ये सब नॉन लिविंग है बट हमने उनको सपोज कर लिया है। विच इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं और एनिमल्स के लिए करते हैं, लाइफ जो लिविंग कल्चर्स हैं उनके लिए हम विच का यूज नहीं करते हैं। इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन, इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉन्यूमेंट द मूवमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। The dog which I recently bought is an Alsatian. This was formerly used to refer to people as our father which art in heaven. Which may also refer to a sentence. The man was said to be drunk, which was not the case. He said he saw me there, which was a lie. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, हम सेम थिंग को अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम से यूज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये आप बहस ना करें कि यहाँ पर जो हमने बोला है आपने बोला वही हो सकता है, बल्कि रूल्स फॉलो द सिचुएशंस, मीन्स सिचुएशंस के साथ साथ रूल्स की कंडीशंस बदल जाती है। नोट बॉक्स देख लीजिए, द रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड विच कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट। That is where the clause introduced by a relative pronoun is descriptive or defining. Such as the man who had. वो आदमी जो जिसने चीट किया, मींस हमारा जो व्यक्ति वहां पर लिमिट हो गया जिसने हमको चीट किया, ना कि सारे के सारे मैन के लिए। This book which you see on the table cost me 2 rupees. केवल वही बुक, तो आपने देखा हुआ जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित कर दिया, हम केवल उस पर्टिकुलर बुक के बारे में या पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। To give some additional information about the antecedent, that is where the clause introduced by relative pronoun is continuative or non-defining. और जहाँ पर non-defining होता है, continuity चलती रहती है, वहाँ पर हम कुछ और additional information जोड़ने के लिए भी ऐसे use करते हैं। जैसे the teacher sent for the boy who came at once. लड़के को बुलाया और वो तुरंत आ गया। I gave him a rupee which बाज ऑल आई हैड विद मी। तो वो चीजें यहाँ पर दिखाई जो एट प्रेजेंट करंट में हुई है। नाउ ध्यान रखना है कि दैट इज यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग्स। इट मे रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। दैट को आप पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज करते हैं और सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। दैट हैज नो जेनेटिव केस एंड इट इज नेवर यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन प्रेजेंटिंग। ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के पहले कभी भी दैट का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड ऑफ यू ऑफ। आप आपको दैट ऑफ आई टोल्ड नहीं कह सकते। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। मैं वो आदमी उस आदमी को घर को जानता हूँ जहाँ वो रहता है। नाउ अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेथ विजडम। द क्राउड दैट गैदर्ड चीयर्ड हिम टू द इको। माय सिस्टर दैट इज इन दिल्ली Sent me a present which one of several my sisters. तो इस तरीके से हम इसको limited करने particular चीजों के बारे में बात करने के लिए use करते हैं। Will we notice that relative pronoun that is used only in relative clause that restrict, limit or define the antecedent. In other words, the relative pronouns that has a restrictive force. तो हम उसको यहाँ भी यूज करते हैं जहाँ रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, लिमिट होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज हैज अ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स इट समटाइम्स बिकम्स अनसुटेबल एज द सब्स्टिट्यूट फॉर हु और विच। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन रिस्ट्रिक्टिव फोर्स होता है, इसलिए कभी कभी जो है हु और विच के लिए उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है। दस यू कैन नॉट से और माई फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर इज 50 ईयर्स ओल्ड। I must say, you must will have to say, my father who is a school master, क्योंकि who जो है वो उसको school master defend कर रहा है। But if I happen to have more than one sister, I can say my sister that has been adopted by my uncle is ill.
Now, the relative pronoun that is used in preference to two or which after adjective in the superlative degrees, they say that he was the most eloquent speaker that I ever heard. The wisest man that ever lived made mistakes. So, सबसे बुद्धिमान था उसने भी गलतियाँ बनाई. Means हर व्यक्ति mistakes बनाता है. So, you have to go through these examples and that you will be better to understand that. Now we are going to list out up to two antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or thing. अगर दो antecedents एक साथ होते हैं तो हम पहले person को use करते हैं और उसके बाद में animal or things को represent करते हैं. जैसे the boy and his dog that had trespassed on the club premises were turned out. What refers to things only? What केवल चीजों के रेफरेंस करता है? It is used without an antecedent expressed and it equivalent to that which or the thing which. What cannot be cured must be endured. जिसको आप ठीक नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा. I say what that which I mean. Now, what is one man's meat is another man's poison. Means एक आदमी की जो खाना है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है. एक की दवा दूसरे के लिए जहर हो जाती है. What I have written, I have written. जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, अब बदलेगा नहीं, पत्थर की लकीर हो चुका है. It will be noticed that what is used in the nominative and accusative singular only. What को केवल singular में ही use करते हैं. In older English, the word as was used as a relative pronoun after such as his answer was such as I expected him. उसका answer वैसा था जैसा मैंने उससे उम्मीद की थी. ध्यान रखिए such के बाद में that का use नहीं करते हैं, such as use होता है. हालांकि कुछ लोग इस पे बहस कर सकते हैं, but there should not be any debate. Omission of the relative pronoun. Omission means होता है हटा देना. हम बहुत जगहों पर omit कर देते हैं, हटा देते हैं. Relative pronoun use नहीं है. जैसे the relative pronoun is generally omitted when it would be in the accusative case. जब accusative case में होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, use नहीं करते हैं. जैसे few and short were the prayers. Be said. यहाँ पर who कह सकते थे हम या which कह सकते थे, क्योंकि prayers है इसलिए हम इसमें what या which का use कर सकते हैं, that use कर सकते थे. Men must reap the things they sow. अब यहाँ पर लोगों को वही काटना पड़ता है जो बोलते हैं. नहीं कि यहाँ पर what use होना था लेकिन हमने इसको omit कर दिया है क्योंकि ये इसको हमने suppose कर दिया. In the following examples from poetry, poetry a relative pronoun in the nominative case is omitted. ऐसे it is, this means it is. It is distance. अब यहाँ पर हमें pronoun देना था लेकिन हम use नहीं किया है. Which lends enhancement to the view. I have a brother who is condemned to die. The omission of relative pronoun in the nominative case is now quite exceptional, except in colloquial speech. Colloquial जो है थोड़ा poetic language में उसको use करते हैं, omit करते हैं, वरना हमेशा use किया जाता है. There is somebody at the door who wants to see you. Now omission of antecedent. Antecedent का use तो हम omit करते हैं. Sometimes the incident of relative pronoun was left out as who works not shall not eat. जो नहीं खाता है, अब यहाँ पर वो कभी नहीं use होना चाहिए था लेकिन हमने use नहीं किया है. This means who works not shall not eat. जो काम नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं. Whom the gods love die young. जिनको भगवान पसंद करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं. Now agreement of the relative pronoun and its antecedent. Agreement क्या होता है? उसको सही तरीके से सही जगह पर सेट करना. When the subject of a verb is relative pronoun, care should be taken to see that verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. जैसे हम agreement of the noun पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारा जो agreement है वो antecedent pronoun का use होगा. Means singular के साथ में singular, plural के साथ में plural. और tense का भी हमें यही करना था. हालांकि इसमें tense की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन एक लाइन में आपको बता दूं कि आपको verb और antecedent और relative pronoun के singular और plural का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. Now last part of this chapter, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. पोजीशन कहाँ पर होती है, कहाँ पे हमें यूज करना है. टू प्रिवेंट एम्बिग्युइटी द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट. इसको हम कोशिश करते हैं कि एंटीसीडेंट के पास से नियर होना चाहिए. जैसे द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड शजोसी. इट वुड मीन
उसको भी आप जो है करेक्ट करके और इसका करेक्ट सेंटेंस लिख के मुझे भेजिए और मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना अच्छा कर सकते हैं। प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल शुड बी नॉट बी यूज्ड एज एंटीसीडेंट टू हु एंड दैट एज। प्रोनाउंस थर्ड और पर्सन प्लूरल को हमें यूज नहीं करना एंटीसीडेंट रूप में हु और दैट एज से। दे दैट आर होल हैव नो नीड ऑफ प्रीपोजिशन दैट आर होल। अब यहां पे कल क्लियर हियर दोज इज टू बी प्रेफर्ड एज टू दे। देखिए दोज यूज करना पड़ेगा क्योंकि दैट सिंगुलर है। दोज दैट